राजकुमार व बलविंदर तथा जगदीश, डेमो कमांडर हेड कांस्टेबल राजवीर। और दूसरे चरण के इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्वान सिमी द्वारा बुके प्रेजेंटेशन, जी हां, बड़े ही अदब के साथ, विनम्रता के साथ श्वान सिमी इस समय जर्मन शेफर्ड ब्रीड यह श्वान मुख्य अतिथि महोदय को गुलदस्ता देने के उपरांत एक अभिवादन, एक सैल्यूट, एक प्रशिक्षित प्रहरी की तरह ही किस तरह ये श्वान अपने हैंडलर्स के आदेश का पालन करते हैं। और ये माननीय मुख्य अतिथि महोदय सहित सभी महानुभावों का सम्मान, आदर, स्वागत, वंदन, अभिनंदन राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित श्वानों द्वारा। यहां जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं बेसिक ओबीडियंस ड्रिल, यानी बुनियादी आज्ञा पालन। इस प्रशिक्षण की अवधि लगभग 3 महीने की होती है और इसके बाद ही इन्हें विशेष क्षेत्रों में पारंगत किया जाता है। और इस समय अपने अपने हैंडलर्स के साथ उनके आदेश का पालन करते हुए ये सभी श्वान, अच्छा काम, शाबाशी, आगे भी अच्छा करना, शाबाशी हमेशा उत्साह वर्धन करता है। और श्वानों में शामिल हैं गरिमा, रॉकी, बेला, सिमी, विकी, कोबरा और ब्लैकी। इनके ब्रीड्स हैं बेल्जियम शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर। और इसके अलावा इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह अपने हैंडलर्स के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए ये श्वान अपनी प्रवीणता का प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्र में। और अब विभिन्न पिरामिड और फॉर्मेशंस के माध्यम से आप इनके प्रदर्शन को देख पाएंगे। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र चेकनपुर, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है, इस प्रशिक्षण संस्थान ने भारतीय व मित्र राष्ट्रों के पुलिस बलों और उनके श्वानों को प्रशिक्षित कर अभी तक 4,702 डॉग्स को प्रशिक्षित किया है। की गई है इस बार से रामपुर हाउंड और मधोल हाउंड, राजा प्लायम। और इस समय आप देख सकते हैं कि योग का सीमा प्रहरियों के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, योग इनके जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब ये योग करते हैं तो इनके श्वान किस तरीके से उनका साथ देते हैं, इसका प्रदर्शन अभी आपने देखा। यहां हम विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि स्वदेशी ब्रीड रामपुर हाउंड, मधोल हाउंड और राजा प्लायम को इस बार प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। और यह इस बात का भी प्रतीक है कि हम भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल का यह प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र अपना कदम बढ़ा चुका है। और एक बार फिर अपने हैंडलर्स के साथ आगे बढ़ते ये सभी श्वान, इनको गर्व है कि आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष इन्होंने अपना ये प्रदर्शन का शुभारंभ किया है। और एक और फॉर्मेशन, जी हां, पिरामिड अलग अलग तरह के, और अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग अभिवादन का तरीका बहुत ही सुंदर।
और अब अगले प्रदर्शन की तैयारी। यहाँ हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना सन 1970 में हुई थी। केंद्रीय व राज्य पुलिस बलों तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाले अन्य संगठनों के लिए श्वानों को प्रशिक्षित करने का कार्यभार राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर को सौंपा गया। इसके साथ साथ अपने मित्र राष्ट्रों के भी श्वानों को ये प्रशिक्षित करते हैं। और अब अगला प्रदर्शन। जी हाँ, एक सीमा में घुसने का प्रयास जब करता है या वो घुस जाता है और आतंकवाद को वो अंजाम देता है, तो किस तरह घर में छुपे दुश्मन को हमारे ये श्वान पकड़ने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं इसका ये प्रदर्शन, एनिमी फ्लश आउट रूम इंटरवेंशन। जी हाँ, और ये आतंकवादी पकड़ा गया, किस तरह इन्होंने इस क्षेत्र में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसका ये प्रदर्शन था कि देशद्रोही ताकतों और आतंकवादियों को भी पकड़ने में इन श्वानों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। सुरक्षा बलों ने उसे अपने कैद में लिया। ये घुसपैठिए को चेतावनी दी गई लेकिन वो घुसने का प्रयास कर रहा है। और अब श्वान, जी हाँ, ये है श्वान गब्बर अपने हैंडलर शकूर खान के साथ, और सुरक्षा बलों ने उसे अपने गिरफ्त में लिया और अब ये वापस पकड़ कर ले जाते हैं। इसमें डॉग वैक्स बेल्जियम शेफर्ड और डॉग अकबर रामपुर हाउंड। जी हाँ, किस तरह ये दोनों का तालमेल, एक साथ ऊंची छलांग लगाकर चढ़ते हुए आप देख सकते हैं, बेल्जियम शेफर्ड वैक्स और रामपुर हाउंड पूरी तरह से स्वदेशी अकबर इस समय आगे बढ़ते हुए ये अपनी नजर अगर आप बस के समीप रखते हैं तो आप इनके प्रदर्शन को ठीक से देख पाएंगे। इशारा मिला कि इस ऊंचाई पर चढ़ना है और ये ऊंची छलांग को तैयार। ये बहुत ही अच्छा प्रयास और बड़ी सफलतापूर्वक इन्होंने इसे पूरा किया। और अब रामपुर हाउंड पूरी तरह से स्वदेशी श्वान इस ऊंचाई को पार किया। इसका मतलब कितनी भी ऊंची चोटी हो, चढ़ने में कोई कसर नहीं। और अब आप देखें किस तरह पूरी तरह से कंपटीशन में आगे बढ़ते और उत्साह भी देख सकते हैं आप अलग अलग रूपों में। और अगला प्रदर्शन पूरी सफल प्रदर्शन है, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर रामपुर हाउंड। बड़ी चुनौती होती है जब प्रदर्शनकारी उग्र बन जाते हैं, उग्र भीड़ का रूप ले लेते हैं, जनजीवन को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, राष्ट्रीय संपदा को क्षति पहुंचाने लगते हैं। तो ऐसे हालात में सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए किस तरह ये हमारे श्वान उनका साथ देते हैं, इसी का प्रदर्शन आप देख पाएंगे। बेकाबू भीड़ आगे बढ़ती हुई और अब उग्र भीड़ पर किस तरह हमारे ये प्रशिक्षित श्वान पुलिस बलों और सुरक्षा बलों की मदद में साथ रहते हैं, उसी का प्रदर्शन। और भाग खड़े हुए, शायद इन्हें इनका खौफ, इनका भय दिख गया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, और इस तरह से बेकाबू भीड़ पर नियंत्रण पाने में भी इन श्वानों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। देवियों तथा सज्जनों, यहां हम आपको बता दें कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किए गए इस स्वच्छता मिशन में
स्वच्छ भारत मिशन में भी सीमा प्रहरियों ने अलग भूमिका निभाई है और इस क्षेत्र में अपने श्वानों को भी प्रशिक्षित किया है और इस समय उसी का प्रदर्शन आपके समक्ष। यहाँ एक विशेष बात हम बताना चाहेंगे कि जब भी पब्लिक प्लेसेस पर या बच्चों के सामने, स्कूली बच्चों के सामने ऐसे प्रदर्शन होते हैं तो वो बच्चे स्वच्छता के प्रति बहुत प्रेरित होते हैं, उनके अंदर स्वच्छता की भावना जागृत होती है और वो खेल खेल में ही स्वच्छता के महत्व को समझते हैं। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र चेखनपुर सीमा सुरक्षा बल अकादमी प्रशिक्षित ये श्वान इस समय आप सभी के समक्ष स्वच्छता का एक प्रयास दिखाते हैं। सीमा सुरक्षा बल जीवन के हर राह में अपनी भूमिका निभाता है, सीमा प्रहरी हमेशा इसमें अपना योगदान देते रहे। बहुत ही सुंदर प्रयास और इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए कम है। राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र टेकनपुर और आंगन आंगन गाएगी स्वप्न गांधी जी का अब साकार और राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र के ये श्वान और उनके हैंडलर्स एक बार पुनः अभिवादन हेतु आगे बढ़ते। इसके पश्चात हम देखेंगे तकनीक मैन एंड मशीन का एक बहुत ही साहस रोमांच भरा प्रदर्शन, लेकिन इस समय राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र की यह रिपोर्ट। और अब आपके समक्ष एक ऐसा इवेंट आने वाला है